আমা প <hý> <coughs> जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूं आपके अपने ही भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं हांगकॉन्ग अदर ओडीडी का जो मुकाबला खेला जाएगा के ओ एल वर्सेज एच के आई के बीच में उसको लेके डिटेल्स में देख लेंगे अगर आप जीएल लवर हो तो फिर आपके लिए ये मैच बेहतर से भी ऊपर का हो सकता है रीजन क्या है कि जब वीडियो कंप्लीट देखोगे आपको मालूम चल जाएगा आपके कैप्टन ही वो पिक होंगे जिसका सिलेक्शन रेट दोस्तों 15 से 20 परसेंट के आसपास ही है या फिर मान लो कि मैच स्टार्ट से पहले उसका सिलेक्शन रेट तकरीबन फोर्टी के आसपास हो जाएगा उसके अलावा दोस्तों मैं अभी एक दो एक्सपर्ट का वीडियो देख रहा था वो कह रहे थे कि लास्ट मैच के बोर्ड को देख के एच के आई यहाँ पे वन साइडेड मैच जीतते नजर आएगी आपको लेकिन मैं बोलूंगा दोस्तों ये आप आपका मेरा गलतफहमी बहुत बड़ी हो सकती है जी हां दोस्तों अगर आप लास्ट मैच का स्कोर बोर्ड को देखकर टीम बनाओगे तो आप जरूर एचके टीम को फेवरेट बोल दोगे लेकिन मैं कह दूं कि यहां पे के डब्ल्यू की टीम मीन दोस्तों के की टीम फेवरेट रहने वाली है आप भले ही लास्ट मैच के स्कोर बोर्ड में देखोगे कि एचके आई की टीम ने सात विकेट से वीट कर दी यहां से के को वट मैं आपको प्रॉपर रीजन बताऊंगा कि इसके पीछे क्या रीजन है क्योंकि के ओ एल के जो एक मार्के प्लेयर है ना जो सबसे टैलेंटेड बैट्समैन है और गेंदबाजी भी इस टूर्नामेंट में अच्छे खासे करते हैं जिसका नाम है निजाकत खान वो बिल्कुल फ्लॉप चले गए थे ना तो गेंदबाजी से प्रदर्शन किया था ना ही बल्लेबाजी से उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन दिया हुआ था इनके पास शहीद वसीफ नाम के विकेट कीपर दिखेंगे वो भी अच्छे टैलेंटेड हैं उनके बल्ले से भी रन नहीं निकला था उसके बावजूद इन्होंने खड़ा कर दिए थे बोर्ड पर दो रन जो कि आराम से एच की टीम चेज कर ली थी अब इसका मतलब ये नहीं है कि एच की टीम

टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको छोटा सा काम करना है जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में और सबसे टॉप कमेंट में आपको दिख जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा अब आइए हम परसेंटेज बेसिस की बात कर लेते हैं कि विनिंग परसेंटेज ज़्यादा किसके रहने वाले हैं और के की बात करें तो मैं इनको थोड़ा अभी एज दूंगा मैं बोलूंगा सिक्सटी परसेंट चांसेज है कि ये मैच के की टीम निकाल सकती है वहीं एच को लेकर बात करें तो फोर्टी के आसपास चांसेज इनका भी इस मैच में बनते हुए आपको नजर आ जाने वाले हैं अब आइए बात कर लेते हैं लास्ट मैच में दोनों टीम का प्रदर्शन को लेकर E... तो लास्ट मैच में हुआ कुछ ऐसा था कि के पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे खड़ा किए थे यहाँ पे दो सौ निन्यानवे रन वहां पे देखिएगा तो आपको नजर आ जाएंगे दिव्यांग बुलासरा तीस रन किए थे टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं बिल्कुल फ्लॉप गए थे जीरो रन इनको लेकर मैं एक बहुत बड़ी चीज बताऊंगा आप लोग वेट कीजिएगा वकास खान एक रन एक बॉल में दस चौका चार छक्का एजाज खान एक रन इसके अलावा आपको नजर आ जाएंगे शहीद वसीफ इसका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं है दोस्तों और आपके लिए मार्किपिक हो सकता है अगर के की पहले बल्लेबाजी आती है तो इसके अलावा अली चौदह उसके साथ में जैडन बटफील्ड एक रन किए हुए थे बात करेंगे गेंदबाजी में तो यहां से आपको नजर आ जाएंगे नियाज अली एस खान अली मोहम्मद मोहम्मद वहीद वासीम मुर्तजा एहसान खान और बिलाल अख्तर यहाँ दिखेगा तो आपको नज़र डेथ में जो गेंदबाजी करते नजर आएंगे वह आई वासीम मुर्तजा 10 ओवर 50 रन एक विकेट एहसान खान 10 ओवर तिहत्तर रन एक विकेट अब ध्यान से सुनिएगा मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ एहसान खान अपना स्पेल डालना स्टार्ट किए थे अट्ठाईस उन्तीसवां ओवर के आसपास और दोस्तों अपना स्पेल कंप्लीट किए थे पचासवां ओवर के आसपास इसका मतलब यह कि आपको डेथ में भी मिलेगा यहाँ से एहसान खान का गेंदबाजी और साथ में आपको अट्ठाईस से स्टार्ट करते हैं अपना स्पेल स्टार्ट करना या फिर तीस से स्टार्ट करेंगे अपना स्पेल तो इनके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा और एहसान खान ने रिसेंट के लास्ट के पांच मैच में तकरीबन ग्यारह बारह विकेट भी लिया हुआ है तो एहसान खान आपके लिए मिनी जीएल जीएल में कैप्टन वीसी के अच्छे खासे पिक बन जाएंगे और इनसे आपको बल्लेबाजी में भी तीस पैंतीस का उम्मीद लगा के चल सकते हो बात करेंगे इनके अलावा जो डेथ में गेंदबाजी करते नजर आ जाएंगे वह यसीम मुर्तजा एच के आई को लेकर बात करें कॉर्ट की किए हुए थे एक सौ संतावन रन और मैं इस मैच का हाईलाइट भी देखा था जहां पे कॉटजे से को तीन जीवनदान मिले थे बाईस रन पे उनसठ रन पे और सेवेंटी थ्री रन के आसपास में तो तीन जीवनदान के बाद इन्होंने बेहतरीन नॉक खेला था नो रट जीवनदान इनका दिन अच्छा हो तभी मिलता है बेहतर नौक खेले थे एक सौ संतावन रन का एक सौ बीस बॉल में तेरह चौका और आठ चक्का आदित्य गोरावरा स्ट्रगल कर रहे थे थर्टी एट रन और इनका लास्ट रिसेंट के पांच मैच में मैं स्कोर बता दूँ तो तीन इन्होंने थर्टी प्लस का स्कोर किया हुआ है दो मैच में भाई सब किए हुए और मैं बहुत बड़ा विकेट के पीछे रिस्क गेम बॉल खेलूंगा वह मैं आप लोग को आगे बताता हूँ एहसान नयाद चार बाबर हयात टेक्निकल साउंडेड प्लेयर इक्यासी रन सड़सठ बॉल में छह चौका छह चक्का अब ये टीम जो कंप्लीट डिपेंड करती है ध्यान से सुनिएगा एम कॉट जे बाबर हयात इसके अलावा यहाँ से आपको दिख जाएंगे एहसान खान और वकास बरकत अगर दोस्तों आपको खेलते हुए नजर आ जाए तो ज़रूर आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो आपके लिए ये बहुत बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं आप देखोगे यहाँ पे वकास बरकत ने कुछ भी स्पेल नहीं डाला है और बल्लेबाजी में भी उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ है लेकिन वकास बरकत बहुत बड़े प्लेयर हैं खेलते हैं हम इनको जरूर ट्राई करने का कोशिश करेंगे गेंदबाजी में बात कर लेंगे आयुष शुक्ला आठ ओवर तिरसठ रन जीरो विकेट एजाज खान 5 ओवर उनतालीस रन जीरो विकेट इसके अलावा हसन खान मोहम्मद चार ओवर अड़तालीस रन जीरो विकेट डैन पास्कु दस ओवर चौबीस रन एक विकेट दिवांग दो ओवर उन्नीस रन जीरो विकेट मोहम्मद यहाँ से दस ओवर बास रन देकर दो विकेट लेते अफ्ताब हैं दो ओवर बीस रन जीरो विकेट निजाकत खान तीन ओवर बीस रन जीरो विकेट यहाँ से निजाकत खान को लेकर मैं एक बहुत बड़ी चीज बताता हूँ कि मैंने इनका पिछला टूर्नामेंट भी फॉलो किया हुआ था निजाकत खान साहब का अच्छा स्कोर कर रहे थे साथ में ये अपना स्पेल पैंतीस से लेकर पचास में आपको दिख जाएंगे तकरीबन पांच से सात ओवर डालते हुए तो ये जो ओवर होता है ये काफी इफेक्टिव होता है और हमेशा आपको इस ओवर के बीच में विकेट लेते नजर आते जाएंगे निजाकत वह प्लेयर है जो दोस्तों कभी भी आपको दो तीन विकेट निकाल के दे सकता है अब चलिए फटाफट हम बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम की टीम की तो बात करेंगे आज बिग बैस लीग में क्या हुआ भाई सब यहाँ पे तो हम लोगों ने फैंटी डाल दी बावन सौ पचास एक रंग बावन सौ पचास एक बावन सौ पचास एक बावन सौ पचास एक चार कंटेस्ट खेले हुए थे चारों में हम लोगों ने फैंटी लगा दी अब यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंस भी ठीक ठाक है यहाँ से लगभग साठ पॉइंट की यहाँ पे तकरीबन पंद्रह सोलह पॉइंट की यहाँ पे तकरीबन पचास पॉइंट की और यहाँ पे तकरीबन दोस्तों पचास पॉइंट के आसपास की तो अच्छा लगा कि आज हम लोगों ने यहाँ पे अच्छा फैंटी गार दिए हम किसी भी अपलिकेशन को लेकर बात करें ऑलमोस्ट सभी जगह हम लोगों ने क्लीनशिप किया स्पोर्ट्स की तो बात ही छोड़ दो वहाँ पे हम लोग लगातार अच्छा खासा क्लीनशिप दे रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि लास्ट के जो तीन मैच में हम लोग बैक टू बैक क्लीनशिप किए हैं चाहे वो दोस्तों लास्ट की मैच हम बात कर लेंगे पाकिस्तान वाला उसके बाद हम बात कर लेंगे एल को लेकर लंगा पी, लंगा प्रीमियर लीग को लेकर या फिर दोस्तों आज वाला मैच को लेकर बात कर लें हम लोग अच्छे टच में मैं उम्मीद करूंगा कि ये मैच भी हम लोग के लिए बेहतर से भी ऊपर जाए अब फटाफट वही दोस्तों कंटिन्यू करते हैं ड्रीम इलेवन टीम को आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको परसेंटेज बेसिस के टीम के साथ जानना है या फिर दोस्तों आपको जिसके स्टेटस बेहतर है उनके साथ जानना है क्योंकि आप लोगों का ये कमेंट्स मैं चाहता हूं अब देखोगे विकेट के पीछे आदित्य गोरावरा अब ओपन कर रहे हैं ये आपको 30-40 पॉइंट देंगे ही 40 पॉइंट से कम ये देने वाले नहीं है लेकिन आपको 40-50 से ऊपर भी शायद ना देते नजर आ जाए एक प्लेयर ऐसा है जो आपको 10 के अंदर भी निपटा सकता है और अगर उनका दिन रहा तो आपको वो 100 प्लस पॉइंट्स भी दे सकते हैं जिसका नाम है शहीद वसीफ अगर जे अटेंशन खेलते हैं तो लोग जरूर उनको ट्राई कर लेंगे लेकिन फिलहाल वो मुझे खेलते नजर नहीं आ रहे हैं शहीद वसीफ आपके लिए एक बहुत बड़े डिफेंसल बिक साबित हो सकते हैं मैं तो रिकमेंड करूंगा कि भाई साहब आपको जरूर टेक्निकल साउंडेड प्लेयर के साथ जाना चाहिए अगर आपको सेफ जाना ही

आ सकते हैं तो जरूर वकाश बरकत अगर खेलते हैं तो आप लोग मिनी जी एल जी एल सभी जगह ट्राई कर सकते हो ये आपको पैकेज के रूप में काम करते नजर आ जाएंगे बैटिंग प्लस बॉलिंग सभी जगह से पॉइंट निकाल के दे सकते हैं फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वकाश बरकत एक टॉप प्लेयर हैं टॉप ऑर्डर के नंबर चार नंबर पाँच तक आ जाने चाहिए था बल्लेबाजी क्यों नहीं किया और गेंदबाजी जब इनके टीम के गेंदबाज पिट रहे थे तब इन्होंने एक भी ओवर का गेंदबाजी नहीं किया वो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल पिक बनाता है कि क्यों इन्होंने गेंदबाजी नहीं किया या फिर इंजर्ड हो गए थे बहुत लोकल मैच है निकालना अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती

ऑलराउंड सेक्शन से बात कर लेंगे वाई मुर्तजा को ट्रैक कर लीजिए निजाक़त खान को लीजिए एजाज़ खान को और एहसान खान को ये चार आपके पास होना ही चाहिए अगर हरून अरसद खेलता है तो मैं उसको जरूर अपने टीम में ले जाऊंगा काफ़ी तगड़ा पैकेज के रूप में काम करेगा आपको गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी दोनों से पॉइंट निकाल कर देगा और इसके पास इंटरनेशनल का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो अगर हरून अरसद खेलता है तो मुर्तजा के जगह पे अरशद साहब को ट्राई कर लूँगा फिलहाल मैंने मुर्तजा को लिया हुआ है इसके अलावा आप आपके लिए डी पास को और नियाज अली अच्छे पिक बन जाएंगे स्पेशली नियाज अली को ज़रूर आप लोग मिनी जीएल डीजीएल में ट्राई कीजिएगा फिलहाल मैंने यहाँ से अपनी टीम में एहसान खान को लिया हुआ है बॉलिंग सेक्शन में बात कर लें आपके लिए ए मोहम्मद और जी मोहम्मद ये अच्छे खासे पिक बन जाएंगे इसको ट्राई कीजिए ही अगर यहाँ से डी राव खेलते हैं तो मेरे लिए मस्ट पिक रहेंगे दस हज़ार को मैं ड्रॉप नहीं करूंगा इसके अलावा अगर यहाँ से मोहसिन खान खेलते हैं तो मैं इसको भी लेके जाने वाला हूँ बाकी एम वहीद भी आप लोगों के लिए ठीक ठाक पिक बन सकते हैं लेकिन लास्ट के पिक आप चाहो तो एस खान को ट्राई कर सकते हो मैंने फिलहाल अपना दरिया दिल शुक्ला को लेकर दिखाया है अब यहाँ पर मैं ए शुक्ला और जी मोहम्मद के जगह पर ट्राई कर सकता हूँ डी राव को और मोहसिन खान को अगर ये दोनों खेलते हैं तो ठीक है तो इस सबको को लेकर मैं अपडेट्स टेलीग्राम पर ज़रूर दूंगा आफ्टर लाइनअप फिलहाल आइए ए शुक्ला को ट्राई कर लेते हैं टीम टिब्लू को लेकर बात कर लें तो मैंने विकेट के पीछे एस वसीफ को लिया हुआ बैटर में बाबर हयात डब्लू खान एम कॉर्डजे को लिया है ऑलराउंडर से ए खान

की पहले कंदबाजी आती है तो उसके अलावा मैं मान लूंगा यहाँ से एजाज़ खान का तीसरा मैं नाम लूँगा यहाँ से एहसान खान का चौथा लूंगा मैं यहाँ से अपने टीम में डब्लू खान का पांचवा मैं लूंगा बाबर हयात का कभी भी मुझे एम कौटजे को भूलना नहीं चाहिए रिसेंटली ये एक करके आ रहे हैं टेक्निकल साउंडेड प्लेयर है ट्रैक कर सकते हो लेकिन दोस्तों मैंने एम कौटजे को थोड़ा कैप्टन वीसी के दौर से हल्का सा दूरी बनाकर रखा है आप चाहो तो एहसान खान का जगह पर कौटजे को ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग की बात करें तो मेरे कैप्टनशिप पिक देखो जिनका सलेक्शन रेट दोस्तों कितना है मैं दिखाता हूँ आपको निजाकत खान सिलेक्शन रेट सोलह परसेंट के आसपास है और मेरे कैप्टनसी के अभी पिक वे निजाकत खान बीसी की बात करूं तो मैंने एजाज़ खान को बीसी दिया हुआ है आप चाहो तो यहाँ से दुनिया के साथ जा सकते हो तो दुनिया ने क्या किया है यहाँ से एजाज़ खान को कैप्टनसी दे रखा है और विच सी यहाँ से दे रखा है अपनी टीम में एम कॉर्डजे को आप ये काम कर सकते हो ये सेफ चॉइस है मान लो कि एम कॉर्डजे फिर से सेंचुरी लगा दे एजाज खान चार पांच विकेट ले ले तब तो आप लोग जाकर बोलोगे कि राजा भाई आपने तो बोला था कि एम कॉर्डजे नहीं कुछ करेगा या फिर करेगा उसके बावजूद आपने क्यों नहीं लिया जब पिछले मैच में सेंचुरी करके आया था तो दोस्तों मैं हमेशा स्टैट्स के साथ जाता हूँ मैं किसी एक या दो मैच के प्रदर्शन देखो कभी भी कैप्टन वीसी रोटेशन पॉलिसी में यूज नहीं करता हूँ इसी वजह से मैंने अपना निजाकत खान को कैप्टनसी दिया है और एजाज़ खान को अपनी टीम में वीसी सी दे रखा है बाकी ये